यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में बुधवार की सुबह शहर के पुराने पेट्रोल पंप के करीब में स्थित बिरसा मुंडा चौक पर विभिन्न आदिवासी समाज के संगठनों और आदिवासी समाज बंधुओं की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया। मालूम हो कि जिले में संभवतः यह पहला ऐसा मौका है जिस दिन वैश्विक आदिवासी दिवस और क्रांति दिवस के औचित्य पर यवतमाल जिलाधिकारी की ओर से एक दिवसीय छुट्टी की घोषणा की गई है। बहरहाल इस मौके पर उपस्थित मान्यवरों ने बिरसा मुंडा चौक पर इकट्ठा आते हुए वैश्विक आदिवासी दिवस मनाया। दिग्रस शहर के बिरसा मुंडा चौक पर आज विभिन्न आदिवासी समाज के संगठनों सहित आदिवासी समुदाय ने बड़े पैमाने पर एक साथ आते हुए यहां आकर वैश्विक आदिवासी दिवस की एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर यहां आकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने नमन करते हुए आदिवासी समाज को इसकी बधाई दी। साथ ही इस मौके पर यहां बड़े पैमाने पर अधिकारी वर्ग के साथ ही शहर के प्रतिष्ठित नागरिक भी बड़े पैमाने पर उपस्थित थे। दिग्रस शहर से आई दूसरी खबर काफी दुखद है। तहसील के रुई तलाव निवासी एक नवविवाहित युवक ने दिग्रस के विराट नगर में स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने वाले युवक का नाम अमित झिंझोरे बताया जा रहा है। विराट नगर में बुधवार की सुबह 9 बजे अमित बाबाराव झिंझोरे इस 26 वर्षीय युवक के आत्महत्या की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि जब आस पड़ोस के लोगों को इस घटना का पता चला, उन्होंने तत्काल रूप से उसे अस्पताल लेकर वो लोग आए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। दिग्रस पुलिस ने भी इस पूरे मामले का पंचनामा किया और फिलहाल खबर जारी करने तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू थी। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।